प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस। दिस मशीन कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक। प्लाज्मा इज टेम्पररी स्टेट ऑफ गैस। देर आर थ्री मैटर्स प्रेजेंट एंड वी आर एबल टू लर्न एंड सी इट। वन इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, बट प्लाज्मा इज फोर्थ मैटर। लेट्स सी हाउ। द गैस गेट आयनाइज बाय इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट एंड इट बिकेम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन आयनाइज स्टेट एटम्स आर ब्रोकन इंटू इलेक्ट्रॉन्स एंड कैशंस, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, एंड द सिस्टम कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड हाईली एक्साइटेड एटम्स। सो टू अंडरस्टैंड दिस, लेट सी द कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मा। सो देर इज अ गैस, वी आर कंसिडरिंग ए वन कंडीशन। गैस कंटेन्स एटम, सो दिस कंडीशन इज नॉन कंडक्टर टू इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज बोथ आयन्स आर प्रेजेंट इन अ सेम एटम, पॉजिटिव एंड निगेटिव। वेन वी सप्लाय अ हीट टू दिस गैस एटम अप टू 5500 डिग्री सेल्सियस और इन सम गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन बिटवीन 11,000 टू 28,000 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज हीटिंग दिस एटम इज सेपरेटेड इंटू टू आयन्स, वन इज पॉजिटिव अनदर इज निगेटिव, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द गैस कंटेन्स द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन्स, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लाज्मा और आयनाइजेशन स्टेट। वंस द गैस एंटर इंटू आयनाइजेशन स्टेट, इट मीन्स दैट देयर आयन्स आर ब्रोकन अप एंड दे आर ब्रोकन इंटू द इलेक्ट्रॉन्स एंड कैशंस। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, दिस गैस कैन पास द इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड दिस इज बिकॉज दिस निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। बेसिकली दिस कंसेप्ट इज नॉट अ न्यू, एज वी हैव सीन देर इज अ 90% ऑफ लाइट इन दिस यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा ओनली। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल इन अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। द फ्लोरोसेंट लैम्प वी सी इन अवर हाउस, इट इज यूज द सेम कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मा। लेट्स सी हाउ दिस मशीन वर्क्स। सो दिस इज टंगस्टन इलेक्ट्रोड। वेन वी से अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इट मीन्स दैट इट इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। दिस इज शील्डेड बाय वॉटर कूल नोजल एंड there is a shielding nozzle. Below the shielding nozzle is copper nozzle. Mixture of gas, that is hydrogen and nitrogen, or simply a hydrogen or nitrogen gas is supplied from top of this machine. Electrical current is supplied and negative terminal is connected to tool and positive terminal connected to वर्कपीस, एंड मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द वर्कपीस इन द प्लाज्मा इज 200 mm। व्हेन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड, द गैस इज फ्लोन फ्रॉम द गैस चेम्बर टू द इलेक्ट्रोड, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड एज द टेम्परेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रोड रीच टू 5500 डिग्री सेल्सियस और एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वन इन द रेंज ऑफ 11,000 टू 28,000, एंड बिकॉज ऑफ दैट द गैस कंटेनिंग दिस चेम्बर इट बिकेम आयनाइज, बिकॉज ऑफ दैट द गैस इज बिकम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, एंड हेंस द फर्दर इंक्रीज इन द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द गैस बिकम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, and in this way the gas temperature reached to in the range of 11,000 to 28,000 degree
Celsius. And this huge heated gas flame, when concentrated on the workpiece, because of that, the material get removed. To protect this machining, we provide a shielding gas over the plasma flame. The plasma arc velocity is 500 meter per second and metal removal rate is 150 centimeter cube per minute. In this way, this machine works. Advantages of plasma: high speed of cutting, that is 6 mm mild steel plate can be cut at a speed of 3 meter per minute. Equally effective on any metal regardless its hardness. Smooth cuts free from contaminants are obtained in the process. There is no contact between tool and workpiece. It is 3 to 8 times faster than oxy fuel cutting. Profile cutting of stainless steel can be very easily done by this process. Disadvantages: high initial cost. Maintaining the equipment is very difficult. Skilled personnel is required. Difficult to handle due to higher temperature. Where we can use cutting alloys: stainless steel, aluminium and its alloys. Used for turning and milling of difficult to machine materials. Used for removing of gates and riser from casting. Used in underwater operations like in shipyards, chemical industries, nuclear power plant, etc. Used for cutting of hard extrusions. Thank you for watching this video.